हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम कि मैंने एक्टिवा के ऊपर वीडियो नहीं बनाया, तो आज का ये वीडियो कंप्लीटली एक्टिवा के ऊपर रहने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, मेरी एक्टिवा का डैश को रिस्टोर करने वाले हैं। गाइज आपको तो पता ही होगा कि एक्टिवा का डैशबोर्ड कितना ज्यादा लो क्वालिटी का है। लो क्वालिटी तो आप बोल नहीं सकते, बट जैसे जैसे टाइम जाता है वैसे उसका डैशबोर्ड है ना पूरा फेड होने लगता है। पता नहीं कि एक्टिवा में ये प्रॉब्लम है या दूसरे स्कूटर्स में प्रॉब्लम है, बट मेरे दोस्त लोग के पास जुपिटर है। जुपिटर का मैंने देखा डैश इतना जल्दी फेड नहीं होता है। मेरा भी 2 साल हुआ है, मेरे दोस्त का भी लेकर 2 साल हुआ, बट उसका डैश ऐसे का ऐसा ही और एकदम फेड हो चुका है। और मैंने दूसरे एक्टिवाज भी देखे, कम से कम 2007 2008 वाले भी एक्टिवा देखे, उसके पूरी डैशबोर्ड है ना पूरा मतलब व्हाइट हो चुका है। एक टाइम पे वो पूरा ब्लैक होता था और अभी पूरा व्हाइट हो चुका है। मुझे भी यही लगता है कि गाइस आप लोग भी ये प्रॉब्लम से फेस कर रहे होंगे, क्योंकि मैं ये चीज़ फेस कर रहा हूँ। कम से कम मैंने एक्टिवा लेने के 1 साल बाद ही वो डैश फेडिंग का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था। तो मैंने पॉलिश लगाया, क्या क्या चीज़ नहीं लगाया। पहले हम लोग एक्टिवा को वॉश करते थे तो थोड़ा टाइम अच्छा दिखता था, फिर उस पर मैंने पॉलिश लगाया, पॉलिश 1-2 दिन चलता था, उसके बाद वापस से वही प्रॉब्लम स्टार्ट। इंस्टाग्राम पे फोटोज भी डाल रहा था मैं एक्टिवा के पूरे डैशबोर्ड का पूरा, क्योंकि मेरा डैशबोर्ड ही बहुत ज़्यादा सही लगता है एक्टिवा का, मतलब मीटर्स एंड ऑल सब देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है, बट वो डैशबोर्ड की वजह से अच्छा नहीं दिख रहा था। रिस्टोर करते टाइम मैंने बहुत सारी चीज़ों का ट्राई किया। हीट गन आता है, हीट गन जैसे आप डैशबोर्ड पे मारोगे तो वो पूरा काला होने लगता है। 2 दिन वो ब्लैक दिखेगा, फिर उसके बाद पूरा वैसे ही व्हाइट हो जाएगा। 2-3 एक प्रोडक्ट्स आते हैं जो 1000 से लेकर 2000 रुपीज़ तक आते हैं, वो पूरे डैशबोर्ड को आपको ब्लैक कर देगा, मतलब एक ब्लैक कलर का पॉलिश आप बोल सकते हो, बट वो बहुत ज़्यादा महंगा होगा। मुझे एक ऐसा उपाय ढूंढना था कि सस्ते में भी हो और अच्छा भी देखे हो। तो गाइस सबसे पहले आप मेरे एक्टिवा के डैशबोर्ड का हालत देख लीजिए तो आपको समझ जाएगा कि एक्चुअल में हालत कैसा है। सो गाइस अभी आप देख सकते हो मेरे डैशबोर्ड का हालत कितना ज़्यादा गंदा हो चुका है, और छोटे छोटे स्क्रैचेस तो आप देख ही सकते हो इसमें, और इसका कलर आप देख सकते हो एकदम ज़्यादा फेड हो चुका है और एकदम पुराना एक्टिवा दिख रहा है। सो गाइस सबसे पहला स्टेप है, आपको ये पूरा डैशबोर्ड जो है ना पूरा घसना पड़ेगा एक सैंड पेपर की मदद से। एकदम पतले ग्रेड वाला सैंड पेपर लो, देख सकते हो हल्का सा इसमें सैंड पेपर यूज़ कीजिए। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम लाइटली आप यूज कीजिए, ज्यादा रब करने की जरूरत नहीं है। सो गाइस एज़ यू कैन सी हम लोग ने सैंड पेपर से इसको अच्छा घस दिया, और यहाँ पर भी हम लोग ने घस दिया है। तो यहाँ पे और यहाँ का जो प्रोसेस है, यहाँ पे तीनों डैश मटेरियल है तो तीनों का प्रोसेस सेम रहेगा। तो यहाँ का आप देख के यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ का देख के आप यहाँ पे भी कर सकते हो। हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या करने वाले, इसमें थिनर लगाने वाले। थिनर से क्या होगा, जितना भी डस्ट है वो निकल जाएगा और जितना भी डर्ट या मट्टी कुछ भी रहेगा इसमें, ऑयल्स या कुछ भी ग्रीस व्रीज रहेगा वो सब निकल जाएगा। मैं ये वाला थिनर यूज़ कर रहा हूँ, ऑटो फिनिश टॉप ग्लॉस, ये नॉर्मल सा हार्डवेयर पर आपको मिल जाएगा। इसको थोड़ा आपको कपड़े में डालना है और जस्ट रब करना है। इसके जगह पर आपके पास रबिंग अल्कोहल है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। जस्ट ये सरफेस है ना पूरा अच्छे से क्लीन हो जाना चाहिए ताकि हमारा पेंट जो है ना ये सरफेस पे अच्छे से स्टिक हो जाए। जैसे कि आपने देखा थिनर से हम लोग ने इसको अच्छे से रब कर दिया और सरफेस आप देख सकते हो एकदम क्लीन हो चुका है। आप चेक करना है कि आपका सरफेस क्लीन है यानी, जस्ट एक हाथ घुमा के देखिए, एकदम सॉफ्ट रहना चाहिए सर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके अगला स्टेप मैं आपको बताता हूँ। पेपर टेप आप ले सकते हो स्टेशनरी शॉप से और उसको जस्ट कवर कर दीजिए, बटन को, फिर ये लोगों को, फिर ये पूरा जो मीटर है उसको। और यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग ने आगे का दोनों पार्ट निकाल दिया, वो ईजी है, जस्ट आपको 4 स्क्रूज निकालना है और ये पूरा पार्ट निकल जाएगा। पार्ट निकालने का रीज़न ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी कलर अच्छे से लगना चाहिए, इसीलिए हम लोग ने ये पार्ट निकाल दिया है। और ऐसा कुछ पेपर लीजिए ताकि ये जो पूरा चीज है हमारा, जिधर जिधर हमको पेंट नहीं लगाना है वो पूरा पार्ट जो है पूरा कवर कर लीजिए। सो गाइस जैसे कि आप देख रहे हो हम लोग ने इसको अच्छे से कवर कर दिया, नीचे का पार्ट भी हम लोग ने कवर कर दिया ताकि पेंट ना कोई भी पेंट वाले सरफेस में ना लगे, क्योंकि ये व्हाइट कलर है। सब चीज़ों में ज़्यादा मेहनत करो गाइस, अच्छे से जो जो चीज़ें वो अच्छे से पैक कर दो, वरना आपको बाद में थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अभी हम लोग क्या करने वाले, बॉस्नी का पेंट यूज़ करने वाला है जो हमेशा मैं यूज़ करता हूँ। बॉस्नी का लो या फिर कोई भी दूसरे अच्छे कंपनी का ले लो, ये है 400 cc का बॉटल और ये आपको मिल जाएगा 210 रुपीज़ का। आपको ये स्प्रे पेंट से कैसा पेंट करना है पता नहीं है तो यहाँ पे मैं एक लिंक दे दूँ, मैंने पहले एक स्प्रे पेंट के ऊपर अच्छे से वीडियो बनाया कि आपको स्प्रे पेंट कैसे करना है। इसमें हम लोग क्या करने वाले, 3 कोट मारने वाले अच्छी तरीके से, और एक कोट को सूखने के लिए कम से कम 5-10 मिनट्स का टाइम देना। यूज करने से पहले आप इसको अच्छे से शेक कर लीजिए ताकि जो अंदर का पूरा जो पेंट है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। उसके बाद गाइस 15 सेंटीमीटर का थोड़ा अच्छा सा डिस्टेंस लीजिए, उसके बाद अच्छे तरीके से पेंट स्प्रे कर दीजिए।
जैसे कि आपने देखा ये हम लोग ने अभी पहला कोट कर दिया हमारा, पहले कोट में अच्छे तरीके से पेंट नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा जगह छूट जाएगा। हम लाइट कोट मारिए, ज्यादा पेंट को ड्रिप मत कीजिए और एक ही जगह पे ज्यादा पेंट मत मारिए, तो वो पेंट जो है पूरा ड्रिप होने लगेगा और आपका फिनिश अच्छा नहीं आएगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा टाइम इसको सूखने देंगे, उसके बाद सेकेंड कोट मारेंगे। गाइस अभी हम लोग हमारा सेकेंड कोट मारने वाले हैं इस पे। अभी हम लोग इस पे थर्ड कोट करने वाले हैं जो लास्ट कोट है। अगर थर्ड कोट के बाद भी इतना ज्यादा परफेक्शन नहीं आता तो और एक कोट आप मार सकते हो। इसका थर्ड कोट जो है एकदम प्रॉपरली सूख चुका है, तो अभी हम लोग क्या करने वाले, नीचे भी यही चीज करने वाले और यहाँ पे डैश मटेरियल पे भी वही चीज हम लोग प्रोसेस दोहराने वाले हैं। मैं क्या करता हूँ, ये तीनों पार्ट जो है उसको पेंट कर देता हूँ अच्छे से, उसके बाद आपसे बात कर लेता। सो गाइज नाउ यू कैन सी द आउटकम। तो गाइज हम लोग ने पूरा अच्छे से कोटिंग कर दिया है, यहाँ पे और यहाँ पे जितना भी स्टेप्स मैंने बताया था वो सब तीनों यहाँ पे मैंने दोहराया हुआ है और आप देख सकते हो उसका फिनिश कैसे निकल करके आया हुआ है और एकदम बहुत ही ज़्यादा ये कूल लग रहा है गाइज। और थोड़ा थोड़ा जो साइड्स में है ना थोड़ा बच रहा था, मतलब थोड़ा यहाँ पे पेंट नहीं दिख रहा था। ये एक छोटा सा मैंने एक्रेलिक कलर लिया हुआ है, ये 20 रुपीज़ का आता है, कोई भी स्टेशनरी शॉप से आप बाय कर सकते हो। उसको साइड में ब्रश से थोड़ा थोड़ा लगा दिया तो ताकि कैसा फिनिशिंग भी एकदम प्रॉपर आ रहा है। हम लोग ने 3-4 घंटे अच्छे से इसको धूप में सुखाया हुआ है और आप देख सकते हो कितना फिनिश एकदम ग्लॉसी आ रहा है और एकदम मतलब बहुत ज्यादा अच्छा दिख रहा है। इतना शायद ब्लैक जब भी मैंने शोरूम से ये गाड़ी लेके आया था तभी भी नहीं था। अभी फिनिश आप देख सकते हो कितना मस्त निकल करके आया हुआ। सो गाइस जैसे कि आपने देखा मेरा आउटकम, तो आप देख सकते हो रिजल्ट्स कितने ज़्यादा अच्छे हैं। मतलब स्प्रे पेंट करने के बाद पुराने को आप कंपेयर कर सकते हो और नए को भी कंपेयर कर सकते हो, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, तो रिजल्ट्स ना बहुत ज़्यादा सही आए। तो पहला टिप मैं आपको ये देना चाहूँगा, जब भी पेंट से पहले आप सैंड पेपर घस रहे हो तो मेक श्योर कि आप वो हल्का सा घसो, ज़्यादा मत घसो, और वो एकदम पतले ग्रेट वाला खरीदो, मतलब एकदम बारीक वाला जो सैंड पेपर होता है वो खरीदो। पॉलिश करने के खर्चे भी बहुत ज़्यादा बचने वाले, क्योंकि पॉलिश करने की जरूरत ही नहीं, पहले से ही बहुत ज़्यादा शाइन करता है ये। हाँ बहुत सारे लोग पल्सर NS 200 के ABS के लिए वेट कर रहे हैं, इस बात चल रहा है। मैं पूरा टोटल जितना एक्सपेंडिचर मेरा जाने वाला है इसमें सब कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं NS 200 के ABS किट के ऊपर। जैसे काम होता है वैसे मैं आपको अपडेट करते रहूंगा। वही था गाइस आज के इस वीडियो के लिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, होप यू गाइस सी इन माय नेक्स्ट वीडियो, एंड डू वॉच योर टिल देन, स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।